यूपी के बाद अब हिमाचल प्रदेश में होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को अपने दुकान के आगे बोर्ड और नेम और रेस्टोरेंट में किचन में कैमरे लगाने की दी गई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में यूपी के तर्ज पर किया जा रहा है, ये कहना गलत है। इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पर इस तरह का अगर निर्णय ले रही है तो ये अच्छा कदम है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मॉडल की तुलना हिमाचल प्रदेश से करना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसी धर्म विशेष को टारगेट करके किया जा रहा था। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस शासन में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को मुस्लिम मामलों का मंत्रालय माना जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार में बैठे माननीय मंत्रियों में होड़ है कि कौन ज्यादा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान कर सकता है। अपने विभागों के कामों की तो जानकारी दे नहीं रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम पर ज्ञान ये लोग बीजेपी के लोग बहुत दे रहे हैं। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। इनको अपने मंत्रालय पर ध्यान देना चाहिए और उनकी उपलब्धि बतानी चाहिए। हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले एक कड़ी चेतावनी दी है आरएसएस को और उसकी तुलना चुनाव से की। देखिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार वहाँ महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार है झारखंड में। यहाँ आरएसएस का बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है, तो ये चेतावनी स्पष्ट रूप से हेमंत सोरेन जी ने दिया है झारखंड वासियों, झारखंड की जनता के बल पर। प्रधानमंत्री टिप्पणी की है कांग्रेस पर और कहा है कि पुरानी पार्टियां अपने शासन काल में राज्य में दलाल, बिचौलिए और दामादों के हवाले दे दिया था। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों से, 11वें वर्ष हो गए देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब जब जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं वहाँ प्रचार करने जाते हैं, अपने 10 वर्षों की नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस पर प्रहार करते हैं। अरे, 10 वर्षों से आप सत्ता में, आपने क्या किया जनता के लिए ये न बताइए, तो ये सारा जुमला आप बता रहे हैं लोगों को। अब ये सब लोग नहीं सुनने वाले, अब जनता परेशान है। वो आप कांग्रेस को हर चीज के लिए दोष देते हैं। एक कांग्रेस को दोष देना छोड़िए, अपनी नाकामी को कांग्रेस के माथे पर मत मढ़िए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपनी उपलब्धि बताइए। कर्नाटक हाई कोर्ट में पाकिस्तान कहने वाले टिप्पणी पर पाकिस्तान को इलाज दिया, कहा है कि कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं जाने देता। बात तो ठीक ही कह रहे हैं। माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है ये तो बीजेपी नेताओं के लिए संदेश है। बीजेपी नेता हर बात पर जिस तरह पाकिस्तान का राग अलापते हैं, उसी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और उनको इस पर ब्रेक लगाना चाहिए कि पाकिस्तान हर बात में जो कहते हैं ये बंद करना चाहिए। देखिए, ये तो बहुत ही एक चौंकाने वाला खबर है, जिस तरह से दवाइयों का सेवन लोग करते हैं और वो गुणवत्ता में खरे नहीं उतरे हैं, पास नहीं हुए हैं, ये गंभीर विषय है। कितने लोगों की इससे जाने चली गई होंगी, कितने लोगों ने इसका सेवन कर लिया होगा, इसके लिए जो भी दोषी हैं, जो भी जिम्मेवार हैं, उसके ऊपर कड़ी सजा होनी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये क्यों मिला ऐसा कि वो गुणवत्ता में पास नहीं किया इसे दवाइयां। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन सीमा तनाव पर की बात है, कहा कि सैनिकों की वापसी कभी की गई है जब उनका मतलब 75% की बात सुलझ गई। देखिए, माननीय विदेश मंत्री जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि विवाद सुलझ गया है और हर रोज इंडिया गठबंधन विपक्ष चाइना दिखाता है कि आज भी चाइना भारत की जमीन को कब्जे में किया हुआ है। तो इस पर ये सिर्फ ये बोल देने से कि 75%
विवाद समाप्त हो गया है। इसके पहले तो स्वीकार ही नहीं करते थे, आज भी विवाद है, ये छुपाने से नहीं छुपने वाला है। देखिए कंगना रनौत बीजेपी की माननीय सांसद है, उन्होंने बीजेपी का पोल ही खोल कर रख दिया, बीजेपी एक्सपोज हो गई किसानों के मामले में। यही बीजेपी की माननीय सांसद कंगना रनौत ने कहा था बलात्कारी आतंकवादी किसानों को, और उन्होंने कहा कि ये बिल फिर से वापस आना चाहिए। अब बीजेपी माफी मांग रही है, बीजेपी की माफी काफी नहीं है। ये कंगना रनौत का बयान बीजेपी के अंगना में दिया गया है, ये बीजेपी का बयान है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे ही बीजेपी के एजेंडे को कंगना रनौत ने सामने कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।